हेलो जी, राम राम सारे को। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। और आज की ये वीडियो है तो हम जरा सी, मेरे डे ऑफ था और हम उसके चक्कर में फिर हम थोड़ा घूमने चले गए ऑकलैंड वाली साइड में। तो वहाँ पे एक बहुत प्यारा मतलब फेमस बीच है जिसका नाम है मिशन वे। तो हम वहाँ घूमे और उसके बाद हम वहाँ पे टाटन नाम का वो है, मतलब एक प्लेस है जहाँ पे सारे समुद्री जीव है, जैसे वेल और भी कई जीव, पेंगुइन्स हो गए, स्टिंग रे वगैरह। तो वो आगे चल के आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे स्टार्टिंग में तो मैंने लाइक पार्क में थोड़े से मज़े किए जो उसके पास बीच के पास था। तो डे ऑफ था पर मौसम इतना खास नहीं था, मतलब बारिश वाला था और बड़ी ज़्यादा मतलब हवा चल रही थी ठंडी। पर हमने अब जब आ गए थे ऑकलैंड मतलब, तो फिर हमने इंजॉय कर लिया वहाँ पर, क्योंकि ये मेरे घर से एटलीस्ट 1.5 आवर की ड्राइव है। तो हमने कहा अब जैसे ही मौसम है अब इन्जॉय करें इसको। फिर उसके बाद वहीं पे एक और प्लेस था, वहाँ पे बहुत ही प्यारा व्यू था जैसे कि आप देख सकते हो। वहाँ पे बड़ी ज़्यादा हवा चल रही थी, यहाँ पे थोड़ी बहुत किस्तियाँ चल रही थी अंदर जो कि बहुत ही प्यारे लग रही थी, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था तो लोग भी ज़्यादा नहीं थे उस तरफ, कम ही लोग थे। अदरवाइज़ काफ़ी लोग होते हैं बीच साइड पर, अगर जब सनी होता तो बहुत ही ज़्यादा लोग होते हैं, पर मौसम ऐसा था तो पूरा बीच मतलब खाली था। 2-4 लोग ही थे, दो हम थे और दो और थे, बस चार। तो ऐसे हमने थोड़ी सी वीडियो बनाई मस्ती करते हुए। और उसके बाद यहाँ की थोड़ी लोकेशन थी वहाँ पे हमने आपको दिखाने की कोशिश करी है। अभी लोकेशन तो बहुत ही प्यारी थी, अगर मौसम अच्छा होता तो ये और भी प्यारी लगती, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमने अगली लोकेशन थी और कैली गार्डन एक्वेरियम जहाँ पर हम गए थे, तो वो यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो ये इसकी एंट्री है जहाँ पे सिमरन आ रही है, और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था व्यू। जैसे इस पुल पे जा रहे थे हम तो ऐसे लग रहा था कि ये घूम रहे हैं, बट एक्चुअल में जो गोल गोल है वो चीज़ घूम रही थी। हाँ, उसके बाद हमने थोड़े पेंगुइन्स देखे जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे थे, मेरे बहुत ही अच्छे लगते हैं पेंगुइन, बड़े मेरे फेवरेट वो बर्ड टाइप है। लाइन में चल रहे थे तो बहुत ही क्यूट लग रहे थे ये। तो उनका टेम्परेचर एकदम से सेट कर रखा है, अंदर बर्फ ही बर्फ है, तो ये मतलब बर्फीली जगह पे रहते होंगे तो शायद इनका टेम्परेचर इसलिए बर्फ जैसा सेट कर रखा है। उसी के हिसाब से इन्होंने पूरा सेटअप करके रखा था। हाँ, और यहाँ बड़े सारे पेंगुइन थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा। यहाँ अभी हम पूरे दिखा नहीं पाए थे, बाकी पीछे तरफ भी थे। और यहाँ में सिमरन इंजॉय कर रही थी, ये जो बोट है छोटी सी जो पानी में चलती है हमने देखी हुई पुराने जो मैम ने की थी ये। फिर आगे फिशेज आ गई, डिफरेंट टाइप की फिशेज, और यहाँ पे थोड़ी सी जैली फिशेज हैं वो भी बहुत ही प्यारी लग रही थी। और फिर उसके बाद हम थक गए, थोड़ी सी कॉफ़ी पी थोड़ी एनर्जी के लिए, क्योंकि कॉफ़ी बहुत अच्छी भी थी वहाँ पे, वहीं पे मिलती है अंदर ही, तो बहुत अच्छी कॉफ़ी थी, हमने इंजॉय करी। और इसके बाद फिर आगे चले हम, वहाँ पे और भी ज़्यादा फिशेज या स्टिंग रेज है, आप देख सकते हो वहाँ पे बहुत ही प्यारी फिश थी स्टिंग रेज। ये फिशेज अपनी पूंछ से हमला करते हैं अगर कोई इनको पकड़ने की कोशिश करता तो। हम लोग यहाँ पे खा भी लेते हैं अपने इंग्लैंड में इसको, आई थिंक। और उन्होंने पानी के बीच में पूरा ऐसा सेटअप करके रखा था जैसे समुंदर में होता है, नाव नू कोई डूब जाती है कुछ, मतलब नाव जैसे बीच में थी तो वो दिखा रखी है जैसे डूबी हुई नाव। वैसे मैंने यहाँ पर कहती फ़ोटो ले लो, पर मैंने वीडियो ले ली। और इसके बाद यहाँ पे कछुआ है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कछुआ भी था पर एक ही था इधर। और आगे और भी ज़्यादा फिशेज हैं, जैसे मैम के सामने खड़ी हुई साइड बहुत ज़्यादा थी, इस साइड बड़ी बड़ी वाली फिशेज थी। और आगे ये है वन ऑफ द फेवरेट थिंग, लाइक ये एक तरह की टनल है और इसके बीच में फिशेज हैं, और हम इसके मतलब आप इसके बीच में से निकलते हैं और आपके आगे साइडों में फिशेज, ऊपर फिशेज घूम रही होती हैं। शार्क थी यहाँ पे 2-3 बड़ी बड़ी, और बहुत ही बड़ी बड़ी स्टिंग रे थी, मतलब काफ़ी बड़ी बड़ी थी वो। और इसमें एक चीज़ मेरे को अच्छी लगी, इसमें दो साइडें बना रखी हुई थी नीचे चलने के लिए, एक तो चलने के लिए थी और एक लिफ्ट टाइप थी कि उसमें आप खड़े हो जाओ और बस वो घूमती रहेगी, आपको चलने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, वो एलिवेटर था, आप खड़े रहो और आप ऐसे खुद ही घूमते रहोगे, बस ऊपर देखते रहो नीचे घूमते रहो। मैं थोड़ी टच करने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत ही बड़ी थी, मुझे लगता है मेरे से बड़ी बड़ी फिशेज थी इसके अंदर। थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे उनको टक टक करके, बट हम
बुला के कोशिश कर रहे थे बुलाने की, पर शीशे बहुत मोटे मोटे तो मुझे लगता है फिशेज सुन पा रही थी हमें। ज़्यादा वहाँ पर भीड़ नहीं थी क्योंकि मौसम अच्छा नहीं था, तो हम दो ही और काफ़ी मतलब 10-15 लोग थे, पर ज़्यादा भीड़ नहीं थी वहाँ पर। बहुत ही अच्छा था, थोड़ा सा एक्सपेंसिव था बट बर्थ था यहाँ पर जाना। ये देखो कितनी बड़ी स्टिंग है, देखिए आप उसका मुँह भी देख सकते हैं। तो ऐसे ही थोड़ा टाइम हमने यहाँ स्पेंड किया इसके अंदर, यहाँ से मन नहीं कर रहा था जाने का। ये भी बड़ा अच्छा था अंदर, बुलबुले इसमें से निकल रहे थे, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था उसमें। हाँ, और उसके बाद आगे हम गए, ये दूसरे कलर का, दो तीन थे ऐसे ऐसे अलग अलग कलर के थे वहाँ पे। तो इसमें टनल से हम काफ़ी देर हमने टाइम स्पेंड किया, यहाँ पे थोड़ी स्क्रीन्स भी लगी थी छोटी छोटी आप देख सकते हो, तो यहाँ पे अगर किसी को इन्फॉर्मेशन लेनी कोई तो वो ले सकते थे फिशेज के बारे में। हमने तो इस नए एलिवेटर पे ही हमने 2-3 राउंड लगाए थे। हाँ। क्योंकि हमें बहुत ही प्यारा लग रहा था ये वाला से इधर। हाँ, ऐसे हेवन की तरह लग रहा था, आसपास फिशेज हैं और आप हैं उनमें से निकल रहे हो। तो हमें काफी टाइम स्पेंड किया उधर। ये इधर मैं फिर से उनको कनेक्ट कर रही थी बट हो नहीं पा रहा था। आप फिशेज देख सकते हो यहाँ पे, ये अलग फिशेज, ये टूना है, टूना फिश वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिकती है, लोग खाते हैं बड़े टूना है। उसमें एक और भी फिशेज थी, कई 5-6 तरीके की थी, बड़ी बड़ी थी ये काफ़ी। और इसके बाद हम आगे जा रहे थे पर यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, तो काफ़ी रिकॉर्डिंग करी हमने यहाँ की। ये भी कितनी बड़ी फिश है, इसका मुंह भी इतना बड़ा था, अंदर कुछ प्लांट भी लगे थे, ये शार्क है इतनी बड़ी आप देख सकते हो। तो बड़ी बड़ी फिश अलग रखी, छोटी अलग। मिस्टिंग रहे आगे फिर से, इसकी पूंछ भी बहुत मोटी थी और बड़ी थी। ये अलग तरफ से, ये पर्पल वाला है उस तरफ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स निकल रहे थे इस बुलबुले के टाइप, तो ये चीज भी बड़ी अच्छी लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और ये है आगे सी ड्रैगन, ज़्यादा हिल नहीं रहे थे, ये अलग तरह की फिशेज हैं, अलग अलग तरह की छोटे छोटे एक्वेरियम बना रखे थे इसमें, रंग बिरंगी फिशें थी आप देख सकते हो। ये सी प्लांट भी जिंदा थे इसमें, आप पता नहीं देख पाओगे कि नहीं, ये भी मूव कर रहे थे देखो, ये भी हिलते रहते हैं पानी के साथ, ये अलाइव होते हैं, ये भी अलाइव ठीक है। बहुत ही सी अच्छे सी प्लांट थे, बहुत ही रंग बिरंगे और अलग अलग फिशेज थी, जैसे ये येलो कलर की है, बहुत ज़्यादा थी। हाँ, बहुत ही मज़ेदार जगह है ये, बहुत ही मज़ेदार है, मतलब हमने चिड़ियाघर तो बहुत देखे। और इसी के साथ हमारी ये वीडियो ख़त्म, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और ये रही हमारी उस दिन की आखिरी सेल्फी, थैंक यू।